सफरनामा का आगाज हुआ। दूर कहीं से हवा आई और उनके कानों में कह गई कि अब चलना तो होगा ही, चाहे पांव थके या सांस, पर कदमों की कवायद से आखिर कब तक? कब तक आशियाना मिलेगा? पोछल मन कब तक भटकेगा? कोई सहारा तो चाहिए ही मंजिल तक पहुंचने के लिए। लेकिन सफर की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शहर के शहरपन थे, हर गली चौराहे पर नाकाबंदी थी, फिर भी इन सड़कों पे आखिर कदमों की आहट कहां से आ रही थी? अरे कहीं ये वो लोग तो नहीं जो मिट्टी को सोना बनाते हैं? पर आज उन सोने से चमक वाले चेहरों पर लाचारी के काले घने बादल क्यों छा गए हैं? कुछ पल ठहरने के बारे में सोचा तो होगा ही, लेकिन पेट का जला रोटी मांगता है। गांव के जिस छांव को छोड़कर शहर के जिस चकाचौंध में निकले थे, आज वही चकाचौंध काटने को दौड़ रहा है। झुकी हुई कमर, नन्ही आंखें, भूख और प्यास की वजह से सवाल अपराह से ही पूछ रही हैं, आखिर कब तक और, कब तक और? यूं ही इस तपती धूप में जख्मों से भरे शरीर को ढोना होगा। माँ के आंचल से छुपते छुपाते घर अब और कितना दूर है? चलते चलते अब थक गया हूं माँ, रुक जाते हैं ना? अरे नहीं, अंधेरा हो जाएगा। तो उस चंदा मामा को बोल दो ना साथ चलने को। बेटा, साथ तो अब ये शरीर छोड़ रहा है जिसमें हौसला तो बहुत है, पर अब सांसें दम तोड़ रही हैं। पलक झपक कर उठने के बाद मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है, घर अब और कितना दूर है, घर अब और कितना दूर है।